डियर स्टूडेंट्स, आज हम पशुपालन चालू करने वाले हैं और पशुपालन में जो आपका सिलेबस है पशुपालन का, उस पशुपालन में मुख्य रूप से आपके गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, इनकी प्रजातियां, इनकी नस्लें, इनकी जो है बीमारियां, इनकी बीमारियों के इलाज और एक दूध भी बहुत अच्छे सिलेबस में है। ये आपके पशुपालन के सिलेबस के मुख्य कंपोनेंट है। और वैसे आपके इसकी जो बात करें, अगर स्कोरिंग की बात करें, तो पशुपालन एक ऐसा विषय है जिसमें कम मेहनत में अधिक मार्क्स प्राप्त किए जा सकते हैं, कम मेहनत में अच्छे जो इसके नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत लिमिटेड सिलेबस है और कंट्रीब्यूशन पूरा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही मैंने आपके जो वीडियो तैयार किए हैं पशुपालन के, बहुत मेहनत करके इस प्रकार के जीवंत लाइव बनाने की कोशिश की है कि आपका लास्ट तक इंटरेस्ट बना रहे, और उन चीज़ों का भी समावेश किया गया है ताकि पूरी चीज़ें आपको क्लास लेते समय ही याद हो जाए। इस प्रकार के इमेजेज और डायग्राम और फोटोग्राफ्स लिए मैंने ताकि आपको पूरा वीडियो सुनने के बाद वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। और आज मैं पशुपालन में सबसे पहला जो विषय ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ इंट्रोडक्शन, परिचय, क्योंकि आपके इस परिचय में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट जो मुख्य रूप से पशु है, इनका बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, इनकी टैक्सोनॉमी की बात करेंगे, वर्गीकरण की बात करेंगे, इनके नामों की बात करेंगे, इनके शरीर में विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती है उनकी चर्चा करेंगे, इनके संरचना की चर्चा करेंगे, इस प्रकार की चर्चा करेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं, देखो जिसकी इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट, ये पांच तो आपके जो है जानवर है, इसके अलावा छठा है आपकी मुर्गी, जो इनसे कुछ अलग है, वो पक्षियों की श्रेणी में आती है। तो इनका क्लासिफिकेशन की बात करें, हम गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट के क्लासिफिकेशन की बात करें, आपका इसका जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी की बात करें, तो देखो मेरी बात सुनो, सारे जो भी जीव होते हैं पृथ्वी पर, जितने भी जीव से मतलब जितने भी जंतु की श्रेणी में आते हैं, वो सारे एनिमेलिया में आते हैं। तो किंगडम जो है, एक तो दो किंगडम है, एक तो प्लांट पादप और एक एनिमल, तो किंगडम एनिमेलिया में आते हैं गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट। इवन मानव भी इसी कैटेगरी में आता है, मनुष्य भी इसी श्रेणी में आता है। और इसके बाद जो इसका जो फाइलम या विभाग जिसको कहते हैं वो कोर्डेटा है, वो सबका ही है, गाय का भी, भैंस का भी, बकरी का भी, भेड़ का भी, ऊंट का ही। कौन से किंगडम में आते हैं ये? एनिमेलिया में। इनका फाइलम या विभाग कौन सा है? कोर्डेटा। कोर्डेटा से क्या मतलब होता है? रीढ़ की हड्डी वाले जंतु। जिन भी जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो सारे जंतु कोर्डेटा विभाग में, फाइलम में आते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया एनिमल या सारे जंतु, एक कोर्डेटा वाले जंतु जिसमें रीढ़ हड्डी पाई जाती है वो कोर्डेटा में आएंगे। इसके बाद जो अगला क्लास या वर्ग कहेंगे वो है मैमेलिया, वो सारे जंतु जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, मेमल ग्लैंड्स पाई जाती है, वो सारे जंतु मैमेलिया में आते हैं। सब में पाई जाती है, गाय में भी, भैंस में भी, बकरी में भी, भेड़ में भी, ऊंट में भी, सब में स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। इवन गाय, भैंस, भेड़, बकरी की बात करें, ये चारों तो दूध के लिए ही पाली जाती है, हालांकि भेड़ को ऊन के लिए भी पालते हैं परंतु दूध भी पे देती है ये, तो चार तो दूध के लिए पालते हैं। ऊंट पे भी, ऊंटनी भी दूध का उत्पादन करती है, कम मात्रा में करती है, और भी उसके उद्देश्य है पालने के। तो इस प्रकार से इनका जो क्लास है, पांचों जंतुओं का, पांचों जानवरों का जो क्लास है, वर्ग है, मैमेलिया है। इसके बाद आते हैं गण और कुल। यहां पे आके बात करेंगे अपन गण, सारे पांचों जानवरों का जो गण है, ऑर्डर है, वो है आर्टियोडेक्टाइला। क्या नाम है? आर्टियोडेक्टाइला। और आर्टियोडेक्टाइला से पता क्या मतलब होता है? आर्टियोडेक्टाइला से मतलब होता है ऐसे जानवर जिनमें
ऐसे जानवर जिनमें जो है इवन ये जो खुर पाए जाते हैं, सम खुर पाए जाते हैं, और सारे में गाय में, भैंस में, भेड़ में और बकरी में और इवन ऊंट में भी, पांचों के पांचों जानवरों में जो खुर पाया जाता है वो दो भागों का बना हुआ है। देख लीजिए आप, ये देखो सब में दो दो भाग बने हुए हैं खुर के। और ऐसे सारे जानवर जिसमें दो खुर पाए जाते हैं वो आर्टियोडेक्टाइला ऑर्डर में आते हैं। तो ये सारे जानवरों का ऑर्डर कौन सा हो गया? आर्टियोडेक्टाइला। ये सारे जानवरों के पांव के खुर के आधार पर क्लासिफिकेशन है भैया ये। तो ऑर्डर जो है गाय का, भैंस का, बकरी का, भेड़ का और ऊंट का, पांचों ही जानवरों के जो खुर है, पांव के जो खुर है वो दो दो खुर से बने हुए हैं। देख लीजिए आप, दो भागों में बटे हुए खुर होते हैं, ये आर्टियोडेक्टाइला ऑर्डर में आते हैं ऐसे जानवर। इसीलिए अपने भी ये पांचों जानवर काय में आएंगे? आर्टियोडेक्टाइला में आएंगे। इसके बाद है फैमिली या कुल, बोविडी। ये बोविडी जो कुल है, पांचों जानवर बोविडी में आते हैं। ये और बता दूं आपको मैं, पांचों के पांचों जानवर बोविडी में आते हैं। और इस बोविडी में उन जंतुओं को रखा गया है जो जुगाली करते हैं, और ये पांचों के पांचों जानवर जुगाली करने वाले हैं, रूमिनेंट है। इनके आमाशय में एक रूमेन संरचना, जो पापर आहार नाल होती है, आहार नाल, उसमें एक रूमन पाया जाता है। जब पशु भोजन करता है तो अधूरा चबाकर उस रूमन में इकट्ठा कर लेता है और फिर बारी बारी से भोजन को जुगाली करके चबाता रहता है। ऐसे जानवरों को रूमिनेंट कहते हैं, जुगाली करने वाले जानवर कहते हैं। और जुगाली करने वाले जानवर पांचों के पांचों, गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट, सारे काय में कौन सी फैमिली में आते हैं? बोविडी में आते हैं। काय में आते हैं? बोविडी में आते हैं। सारे के सारे जो दो दो खुर वाले, ऐसे जानवर जिनमें दो तो खुर होते हैं और जुगाली करते हैं, वो काय में आएंगे? बोविडी में आते हैं। तो आपका ये क्लासिफिकेशन, मेरा तात्पर्य यह है कि क्या हुआ भैया, इनका किंगडम क्या है? एनिमेलिया। इनका विभाग क्या है? कोर्डेटा। इनका वर्ग क्या है? मेमिलिया। इनका सबका मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। ऑर्डर क्या है? आर्टियोडेक्टाइला। और फैमिली कौन सी है? बोविडी। जो बोविडी का तात्पर्य क्या बताया मैंने आपको? जुगाली करने वाले जानवर, पांचों के पांचों का यहां तक का क्लासिफिकेशन तो समान है। आगे की बात करें अपन, या फिर मुर्गी की बात बाद में कर लेंगे, पहले गाय, भैंस, भेड़, बकरी की आगे की बात करें अपन, तो इनका जो इसके बाद जीनस और स्पीसीज जो आती है, इनका साइंटिफिक नेम जो होता है उसकी बात करें, तो बोस इंडिकस या बोस टोरस तो गाय का नाम होता है, और भैंस का जो है बुबेलिस बुबेलस होता है। ऐसे ही बकरी का, भेड़ का और ऊंट का भी अपन साइंटिफिक नेम की बात करेंगे, वो इसके बाद करेंगे। पहले प्रारंभिक अवस्था में हम बात करेंगे मुर्गी के बारे में भी। पांच जानवर के बारे में चर्चा कर ली अपन ने, अगला जानवर अपने सिलेबस का जो पार्ट है वो है मुर्गी, हैन। देखिए ये भी एनिमेलिया में आता है, मुर्गी भी एनिमेलिया में आती है। कोर्डेटा, इसमें भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। काय में? मुर्गी में भी, कोर्डेटा में आती है। अब यहां आके ये अलग हो गया, इसका वर्ग और क्लास जो है वो है एवीज। इसमें एवीज में वो सारे जंतु आते हैं जो पक्षी होते हैं। क्या आते हैं भैया? ये पक्षी हैं सारे के सारे, पक्षी जो एवीज वर्ग या एवीज क्लास इस श्रेणी में आते हैं। इसके बाद इसका ऑर्डर और इसका फैमिली या गण और जो कुल है वो है, गण तो इसका है गैलीफार्मस और फैमिली है फेसिएनिडी। इसका भी मैं आपको मीनिंग समझाने जा रहा हूं। वो पक्षी गैलीफार्मस में तो क्या आते हैं? देखो बता दूं आपको, पक्षी तो हो गए, सारे पक्षी आएंगे इस कैटेगरी में, लेकिन गैलीफार्मस का मतलब मैं थोड़ा समझाने जा रहा था, ऐसे पक्षी जो कि आकार में बड़े होते हैं, उनका शरीर भारी होता है, पंख छोटे होते हैं और वो उड़ नहीं सकते, छोटी छोटी उड़ान भर सकते हैं, दौड़ने में सक्षम होते हैं। ऐसे पक्षी जिनका शरीर बड़ा होता है,
भारी होता है, पंख छोटे होते हैं और भागने के लिए अडेप्ट होते हैं, माने भागने की क्षमता रखते हैं। ऐसे एवीज, ऐसे पक्षी काय में आते हैं, गैलीफॉर्मस में आते हैं। इनका ऑर्डर कौन सा है? गैलीफॉर्मस। मुर्गी का भी ऑर्डर कौन सा हुआ? गैलीफॉर्मस। शरीर बड़ा भारी होता है, पंख छोटे होते हैं, दौड़ने में सक्षम होते हैं, यही विशेषता है। तो गैलीफॉर्मस ऑर्डर की यह मतलब है। इसके बाद जो फैमिली आती है फैसिएनिडी, इसका मतलब क्या है? इसमें कौन से बड़े वाले जिनका शरीर बड़ा होता है, जो दौड़ सकते हैं, वो कौन से पक्षी आते हैं? नीचे और क्लासिफिकेशन में चलें तो ऐसे पक्षी जिनकी पूंछ लंबी होती है और कलर्ड ब्राइट होते हैं, चमकीले शरीर होता है, वो सारे चमक दमक वाले होते हैं, दिखने में सुंदर दिखते हैं, ऐसे सारे पक्षी काय में आते हैं? फैसिएनिडी में आते हैं। तो इस प्रकार से हमने बात करी भैया मुर्गी के क्लासिफिकेशन की। एनिमेलिया सारे जंतु, कोर्डेटा जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, एवीज पक्षी सारे आते हैं, गैलीफॉर्मस ऐसे पक्षी जो उड़ नहीं, पंख छोटे होते हैं, शरीर भारी होता है, उड़ नहीं सकते बल्कि दौड़ने के लिए सक्षम होते हैं, फैसिएनिडी ऐसे सुंदर दिखने वाले लंबी पूंछ वाले पक्षी, लंबी पूंछ सुंदर दिखने वाले और इस प्रकार के जो पक्षी होते हैं वो फैसिएनिडी में आते हैं। ये था मुर्गी का क्लासिफिकेशन। अब हम गाय की बात करेंगे, भैंस की बात करेंगे, बकरी की बात करेंगे, भेड़ की बात करेंगे और फिर मुर्गी की भी बात करेंगे। इनका जो इनकी संरचना, इनका तापमान, शारीरिक क्रियाएं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे, हम दोनों को लेंगे, गाय और भैंस को एक साथ लेंगे, भेड़ और बकरी को एक साथ लेंगे और फिर ऊंट को लेंगे और फिर मुर्गी को लेंगे, वो आगे बात करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं गाय और भैंस की। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, गाय जिसको अंग्रेजी में काऊ कहते हैं, काऊ की जगह केटल वर्ड भी लिया जाता है और केटल वर्ड भी गाय के लिए ही काम में आता है, केटल वर्ड भी गाय के लिए ही काम आता है। केटल अंग्रेजी में, हिंदी में गाय या काऊ, ये तीनों वर्ड गाय के लिए काम आते हैं। गाय का जो वैज्ञानिक नाम है उसमें देखो, वैज्ञानिक नाम में दो भाग होते हैं, एक तो जीनस और एक स्पीसीज है। जीनस तो गाय का क्या है? बोस। और स्पीसीज क्या है? इंडिकस। भारतीय गाय का तो इंडिकस है और विदेशी गाय का क्या नाम है? टोरस, TAURUS, टोरस। बोस टोरस, बोस इंडिकस। दो तरह की गाय होती है हमारी भारतीय गायें, जिनमें कुबड़ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कुबड़ पाया जाता है, हंप पाया जाता है, उसको तो बोलते हैं बोस इंडिकस। और वो गायें जिनमें कुबड़ नहीं पाया जाता, हंपलेस होती है, विदेशी गायें, वो विदेशी गायें होती है और उनका नाम होता है बोस टोरस। तो ये गांव का गाय का जो नाम है, दो प्रकार की गाय होगी, देसी गाय और विदेशी गाय है, हम उनके बारे में भी बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे। देसी गाय का नाम तो क्या? बोस इंडिकस। विदेशी जितनी भी गायें हैं उनको काय में रखा है, विदेशी गायों का नाम है बोस टोरस। इनका जो है जाति अलग अलग है, जीनस तो सेम है और जातियां अलग अलग है। इसके बाद इसी प्रकार से भैंस की बात करें हम, तो भैंस का जो नाम है बुबेलिस बुबेलस। क्या नाम है? बुबेलिस बुबेलस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है बुबेलिस बुबेलस। ये जीनस है, ये स्पीसीज है, है जीनस और स्पीसीज। वैज्ञानिक नाम क्या हो गया भैंस का? बुबेलिस बुबेलस। अब इनके शरीर की क्रियाओं की बात हम करें तो सामान्य तापमान, जैसे मनुष्य का शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 98, मनुष्य के तापमान की बात करें हम, 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वैसे ही गाय का और भैंस का सामान्य तापमान जो शरीर का होता है वो मनुष्य से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा होता है, ज्यादा गर्म होती है, 101.5 डिग्री फारेनहाइट, और ये 101.5 डिग्री फारेनहाइट दोनों का समान होता है।
कहने का मतलब यह है दोनों का शरीर का तापमान समान है और वो कितना है 101.5 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर है, सेंटीग्रेड नहीं होता है, सेंटीग्रेड में इसको कन्वर्ट करोगे तो लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड आता है, ये भी ध्यान रखें आप। वो सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में और फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलने के फॉर्मूले की चर्चा भी हम कई बार कर चुके हैं, वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। ये तो तापमान की बात हो गई, इसके बाद बात करेंगे हम पल्स पल्स रेट की। पल्स रेट, पल्स क्या होती है, नाड़ी गति होती है। जैसे हमारी नाड़ी गति हम नापते हैं तो यहाँ पे हाथ रख के नापते हैं तो नाड़ी हमारी जो चलती है करीब 72 बार एक मिनट में 72 टाइम्स, ये जो बोलती है 72 इसको बोलते हैं 72 पल्स रेट बोलते हैं। तो गाय की है 40 से 50 और भैंस की है 40 से 45 प्रति मिनट नाड़ी चलती है, पल्स रेट है, हैं? इसी प्रकार से सांस गति की बात करें, जैसे सांस अपन लेते हैं इसकी बात करें हम तो गाय जो सांस लेती है वो एक मिनट में 12 से 16 बार लेती है और भैंस कितनी लेती है 14 से 18 बार लेती है सांस की गति, रेस्पिरेशन रेट है। अब इसकी अगली बात करें, मांस जो होता है गाय का मांस, भैंस का मांस, बकरी का मांस, आपके भेड़ का मांस, ऊंट का मांस, इन सब के अलग अलग नाम हैं हमको याद करने हैं। तो सबसे पहले हम गाय के मांस की बात करें तो गाय के सामान्य गाय के मांस को बीफ कहते हैं, क्या कहते हैं, बीफ कहते हैं। लेकिन छोटे जो बछड़े होते हैं बछड़ों के मीट को वील कहते हैं, क्या कहते हैं, वील कहते हैं, वी ई ए एल। गाय के सामान्य जो विकसित गाय है आपकी 18 महीने के बाद या लगभग 2 साल के बाद, 1.5 से 2 साल के बाद जो गाय होती है उसके जो मांस, उससे जो मांस मिलता है उसको तो बीफ कहते हैं। जबकि 16 माह से छोटे बछड़े जो होते हैं बछड़ों के मीट को क्या कहते हैं, वील कहते हैं, क्या कहते हैं, वील, वी ए एल, वील कहते हैं। इसी प्रकार से भैंस के मीट को, भैंस के मांस को बफन कहते हैं, बी यू डबल एफ ई एन, भैंस के मांस को क्या कहते हैं, बफन कहते हैं। गाय के मांस को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बीफ कहते हैं। लेकिन गाय के बछड़े के मांस को क्या कहते हैं, वील कहते हैं। अब बात करेंगे गर्भाव काल की, गर्भावधि की, जो गाय और भैंस के पेट में जब बच्चा पनपता है, जिस दिन से जो है उसका आपका फर्टिलाइजेशन होता है, आपका जो शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं उससे लेकर बच्चा पैदा होने की अवधि को क्या कहते हैं, गर्भकाल कहते हैं, गेस्ट्रेशन पीरियड कहते हैं। वो अलग अलग पशु का अलग अलग होता है, जैसे अपन मनुष्य के लिए कहते हैं 9 महीने है, तो 270 दिन की जो अवधि मनुष्य के लिए होती है, इसी प्रकार से गाय की बात करें तो 280 दिन की होती है, लगभग मनुष्य के समान 280 दिन। इसी प्रकार से भैंस की बात करें तो 310 दिन, 307 से 310 दिन में भैंस का बच्चे का पूरा विकास होता है मादा के पेट में, और गाय में कितने दिन में होता है, 280 दिन में, मनुष्य में कितने दिन में होता है, 9 महीने में। इस प्रकार से अलग अलग जंतुओं के अलग अलग गेस्ट्रेशन पीरियड होते हैं। अब पशुओं में होता है एक मद चक्र, क्या होता है, जल्द पशु हीट में आता है, उसकी सेक्सुअल डिमांड होती है, उसका हमेशा नहीं होती सेक्सुअल डिमांड, जो मादा पशु होते हैं उनकी सेक्सुअल डिमांड होती है, जनन करने की इच्छा शक्ति विकसित होती है, उसको कहते हैं मद चक्र। तो जो गायों में मद चक्र जैसे आज आ गया तो ऐसा नहीं है कि हमेशा रहेगा, आज आने के बाद ये 10 से 24 घंटे के अंदर नर पशु का अगर मिल जाता है, उस समय अगर उनका जो है कॉपुलेशन हो जाता है तो मैक्सिमम बच्चा पैदा होने की संभावना होती है, फर्टिलाइजेशन होने की संभावना रहती है। तो वो अवधि जिस पीरियड में
आपको नर पशुओं का समागम कराना चाहिए मादा पशु से, वो होती है 10 से 24 घंटे। यानी जो ही गर्मी में हीट में पशु आए वो 10 से 24 घंटे के अंदर अंदर मादा को नर से मिला देना चाहिए। इसी प्रकार से भैंस की बात करें तो मधचक्र तो होता है 21 दिन, और इसमें 12 से 36 घंटे के टाइम में नर पशु को मादा से मिला देना चाहिए भैंसों में। इसको मधकाल कहते हैं, हीट पीरियड कहते हैं। एक टर्म और है भैया, प्रसव क्रिया, बच्चा जनने की क्रिया। पशुओं के बच्चा जनने की क्रिया के नाम भी अलग अलग है। इसको क्या कहते हैं, इसको जो अपने गायों में तो काविंग कहते हैं, क्या कहते हैं, काविंग, और भैंस में भी काविंग ही कहते हैं। ये वर्ड भेड़ और बकरी में अलग वर्ड आएंगे, वहां काम भी लेंगे अपन इसको। फिलहाल भैंस और गाय में बच्चा जनने की क्रिया को क्या कहते हैं, काविंग कहते हैं। गाय में और भैंस में दोनों में ही बच्चा जनने की क्रिया को काविंग कहा जाता है। इसके बाद कुछ देखो, जो नर होता है गाय का उसको तो बुल कहते हैं, बैल कहते हैं, सबको पता है बुल कहते हैं, बैल कहते हैं। और मादा को जो सॉरी भैंसों में भी बुली कहते हैं, जबकि मादा में काऊ कहते हैं, पता है आपको, और इसको बफेलो कहते हैं, काऊ और बफेलो, और इसको बुल और बुल। इसके बाद गायों के झुंड को हर्ड कहते हैं, भैंसों के झुंड को भी हर्ड कहते हैं। जो झुंड होता है गायों का और भैंसों का, इनका झुंड के अलग अलग नाम, जैसे मुर्गियों के झुंड को फ्लोक कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लोक कहते हैं। इसी प्रकार मुर्गियों के झुंड को देखो, हर्ड तो हो गया, गाय के झुंड, ऊंटों का झुंड और भैंसों के झुंड को हर्ड कहते हैं, जबकि भेड़ और बकरी के झुंड को फ्लोक कहते हैं। और गलत बोल गया मैं, मुर्गी के झुंड को ब्रूड कहते हैं। ये टर्म भी आपको याद रखनी है, क्या कहते हैं भैया, गायों के झुंड को हर्ड, ऊंटों के झुंड को हर्ड, भैंसों के झुंड को हर्ड, ये तीनों तो हर्ड कहलाते हैं, और भेड़ के झुंड को फ्लॉक, बकरी के झुंड को फ्लॉक, क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं। और जो है इस प्रकार से लास्ट मुर्गियों के झुंड को ब्रूड कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रूड कहते हैं। तो ये अलग अलग पशुओं के लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजी है जो काम में ली गई है। तो गाय और भैंस के झुंड को तो हर्ड ही कहते हैं। अब इस ये नस्लों की बात करें अपन, तो गांव में गायों में काफी नस्लें हैं, 27 नस्लें पाई जाती है, बफेलो में 7 नस्लें पाई जाती है। औसत वसा, गाय के दूध में औसत वसा जो होती है वो 3.5 से 4.5% होती है, जबकि भैंस के दूध में औसत वसा, देखो भदावरी भैंस के दूध में सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है, 13% तक वसा पाई जाती है, वो अलग चीज है। लेकिन सारी नस्लों के दूध की बात करें हम, और औसत गायों के दूध में जो वसा होती है वो कितनी होती है, 3.5 से 4.5%। इसी प्रकार से भैंसों में जो विभिन्न नस्लें पाई जाती है उनका औसत निकालते हैं तो 6 से 7% जो है क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। यहां गाय और भैंस को पालने के लिए कितने जगह की आवश्यकता होती है, गाय और भैंस में गाय के को पालने के लिए जो ढका हुआ एरिया होना चाहिए वो 3.5 वर्ग मीटर होना चाहिए, जबकि गर्भित गाय में 12 वर्ग मीटर होना चाहिए, और खुला क्षेत्रफल बाहर जो मैदान होता है वो भी चाहिए गाय को, वो 7 वर्ग मीटर एक गाय को खुला स्थान चाहिए, अगर गर्भित है तो 12 वर्ग मीटर अंदर और 12 वर्ग मीटर ही खुला हुआ क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से भैंस की बात करें हम, तो 4 वर्ग मीटर, 3.5 की बजाय 4 वर्ग मीटर चाहिए, और खुले में भी 8 वर्ग मीटर चाहिए इसमें, और अगर गर्भित की बात करेंगे तो दोनों में ही 12 वर्ग मीटर, यहां पे भी सेम बात कहलाती है। अब देखिए आप बछड़े जो होते हैं, हमने काऊ तो बोल दिया, गाय को बफेलो बोल दिया, भैंस को, दोनों फीमेल हो गए, और मेल को क्या कहा था हमने, बुल ही गाय के मेल को कहा था, और बुल ही हमने भैंस के मेल को कहा था। अब हम बात करेंगे बछड़ों की, जो बछड़े होते हैं, गाय का बछड़ा, भैंस का बछड़ा, बकरी का बच्चा, आपकी भेड़ का बच्चा, मुर्गी की, मतलब जो आपकी
बच्चा होता है, इन सबके अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, अलग अलग शब्दों को प्रयोग किया जाता है। तो हम बछड़े की गाय में बात अगर करें, हम गाय की चर्चा कर रहे हैं इसमें, गाय की बात करें तो 0 से 6 महीने का जो गाय का बछड़ा होता है, 6 महीने तक पैदा होने के बाद से लेकर 6 महीने तक इसको काफ कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? काफ कहते हैं। क्या कहते हैं? काफ कहते हैं। 6 महीने से जो है बच्चा जनने तक, गाय में जो बच्चा जनने तक जो फीमेल काउ है, या उसकी बुल तो अलग बात है, मादा की बात कर रहे हैं हम, 6 महीने से पहला बच्चा पैदा होने तक क्या कहलाती है? ये हीफर कहलाती है। ये आपको याद करना है, ये काफ तो 6 महीने तक होता है, 6 महीने से बच्चा जनने तक मादा गाय को क्या कहते हैं? हीफर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये वर्ड क्या याद कर लेना भैया, क्या कहते हैं? हीफर कहते हैं। और बच्चा जनने के बाद उसको क्या कहने लग जाते हैं? काऊ कहने लग जाते हैं। तीनों वर्ड याद कर लेंगे अपन, काफ, हीफर और काऊ। छोटे बच्चे को काफ कहेंगे, बड़े बछड़े को हीफर कहेंगे, और विकसित गाय को काऊ कहते हैं। है? इसी प्रकार से इसमें भैंस के बच्चे को क्या बोलते हैं? काफ कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? काफ कहते हैं। अभी हमने बात कर चुके हैं वैसे इसकी झुंड को, गायों के झुंड को, भैंस के झुंड को, ऊंट के झुंड को हर्ड कहते हैं, भेड़ के झुंड को, बकरी के झुंड को फ्लॉक कहते हैं, और मुर्गियों के झुंड को क्या कहते हैं? ब्रूड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रूड कहा जाता है। अब हमने जो गाय और भैंस की बात करी, उसी की बात अब हम करेंगे, भेड़ की, बकरी की और ऊंट की बात करेंगे। काहे करेंगे भैया? भेड़ का नाम जो वैज्ञानिक नाम है, वो भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिस। क्या नाम है? ओविस एरिस भेड़ का नाम है। और बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? केप्रा हिरकस। क्या नाम है बकरी का? केप्रा हिरकस। और ऊंट की बात करें तो ऊंट में क्योंकि 2 प्रकार के ऊंट होते हैं, हालांकि हमारे यहां जो ऊंट पाया जाता है वो अरेबियन पाया जाता है, एक कूबड़ वाला, कौन सा? तो इसका नाम क्या हो गया? कैमेलेस। भारतीय का नाम डोर्मी डेरियंस लिखा हुआ है, डोर्मी डेरियंस। अगर 2 कूबड़ वाला ऊंट है, क्योंकि भारतीय ऊंट तो 1 कूबड़ वाला है, इसका नाम क्या है? कैमेलिस डोर्मिडेरियंस। और अफ्रीकन ऊंट जो 2 कूबड़ वाला होता है, उसका नाम है भैया कैमेलिस बैक्टीरियंस। ध्यान रखें आप, 2 कूबड़ वाले ऊंट का नाम क्या है? कैमेलिस बैक्टीरियंस। और 1 कूबड़ वाले ऊंट का नाम क्या है? कैमेलिस डोर्मिडेरियंस। इसको अरेबियन कहते हैं 1 कूबड़ वाले को, और 2 कूबड़ वाले को अफ्रीकन ऊंट कहते हैं, यह भी ध्यान रखेंगे आप। तो इस प्रकार से क्या हो गया भैया? बकरी का नाम तो क्या हुआ? केप्रा हिरकस। भेड़ का नाम क्या हुआ? ओविस एरिस। और ऊंट का नाम क्या हुआ? कैमेलिस डोर्मिडेरियंस। जो हमारे यहां सिंगल कूबड़ वाला ऊंट है वो तो डोर्मिडेरियंस है, और अफ्रीकन ऊंट क्या कहलाएगा? कैमेलिस बैक्टीरियंस, जिसमें डबल कूबड़ होती है। अभी चर्चा करेंगे आगे, जब ऊंट की चर्चा करेंगे उस समय अपन इसका डायग्राम भी देखेंगे और चित्र की चर्चा भी करेंगे। अब हम बात करेंगे बॉडी टेम्परेचर की। आपका भेड़ का बॉडी और बकरी का बॉडी टेम्परेचर दोनों का समान है, और दोनों का गाय से ज्यादा है भैया। गाय और भैंस का जो शरीर का तापमान था वो था 101.5 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना था? जबकि ये 2 डिग्री से ज्यादा हो गया, मनुष्य से 3 डिग्री ज्यादा तो था गाय बकरी का, उसका गाय भैंस का है, और उनसे लगभग डेढ़ दो डिग्री सेंटीग्रेड किसका हो गया? भेड़ और बकरी का तापमान ज्यादा है। नाड़ी गति दोनों की समान है, 70 से 80 नाड़ी प्रति मिनट, नाड़ी गति दोनों के समान है। श्वसन गति जो भेड़ की 14 से 22 है और बकरी की 12 से 22 है, लगभग समान है, 14 से 22 या 12 से 22 ज्यादा अंतर नहीं है। हम बात करें अगर मांस की,
जो मांस होता है भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, गाय सॉरी बकरी के मांस को चेवन कहते हैं, गाय के मांस को क्या कहा था हमने, क्या गाय के मांस को और भैंस के मांस को बफेन कहा था, गाय के मांस को जो बहुत बीफ बहुत चर्चित रहता है समा अखबार में, कई जगह गायों की तस्करी में कई जगह नाम आता है, बीफ का नाम भी आता है वहां पे, गाय के मांस को बीफ कहते हैं, लेकिन गाय के बछड़े के मांस को वील कहते हैं, भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, क्या कहते हैं मटन, बकरी के मांस को चेवन कहते हैं, क्या कहते हैं चेवन। इस प्रकार से आपको अलग अलग वर्ड्स की बात भी करनी होगी, इसकी बात भी अभी करेंगे हम, ऊंट की बात भी करेंगे हम है? अब बात करेंगे गर्भकाल की। गर्भकाल भैंस का सॉरी भेड़ का और बकरी का लगभग बराबर सा है, भेड़ का 144 से 151 दिन और बकरी का 145 से 155 दिन, यानी करीब 5 महीने का इसका गेस्ट्रेशन पीरियड होता है, बच्चे का मादा के शरीर में विकास होने में लगभग 5 महीने लगते हैं, हैं? कितने लगते हैं, लगभग 5 महीने लगते हैं, 144 से 151 दिन और 145 से 155 दिन, ये तो भेड़ का है और ये बकरी का है। अब हम बात करें मध चक्र की, जो पशु हीट में आते हैं, हीट में कितने दिन बाद आते हैं, तो जो आपकी जो भेड़ तो आती है 16 से 17 दिन बाद, और बकरी भी कब आती है 16 से 17 दिन बाद, और जब हीट में आ गई तो कितने दिन टाइम तक हीट रहती है, ये तो 1 से 3 दिन तक रहती भेड़, और बकरी भी 1 से 3 दिन तक गर्मी में रहती है, और अवधि कितने बाद आती है 16-17 दिन, और 16-17 दिन बाद आती है, और 1 से 3 दिन तक वो उसको नर से मिला लेना चाहिए, दोनों में ही, भेड़ में भी और बकरी में, दोनों में ही 1 से 3 दिन के अंदर उनका जो है कॉपुलेशन हो जाना चाहिए, उससे बच्चा जो है लगने की संभावना पूरी रहती है। अब प्रसव, जो हमने गाय और भैंस में बच्चा जनने की क्रिया को काविंग कहा था, क्या कहा था काविंग, क्या कहा था भैया काविंग, गाय और भैंस में तो कहा था हमने काविंग है, और भेड़ में क्या कहते हैं लैम्बिंग, क्या कहते हैं लैम्बिंग, और बकरी में क्या कहते हैं किडिंग, क्या कहते हैं किडिंग, तो क्या हो गया काविंग तो गाय और भैंस में, भेड़ में लैम्बिंग और बकरी में किडिंग कहते हैं बच्चा जनने की क्रिया को, क्या कहते हैं किडिंग कहते हैं। तो ये सब चीजें भेड़ और बकरी की बात करी हमने, तो साथ के साथ हम हमारे सिलेबस में ऊंट भी है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखो आप, देखिए आप के सबसे पहले तो नाम की बात तो हमने कर ली थी, कैमिलिस बैक्टीरियम, अगर वो दो कुबड़ वाला अफ्रीकन ऊंट है, हमारे यहां तो नहीं पाया जाता, हमारे यहां तो कैमिलिस डोर्मिडेरियस पाया जाता है, अरबियन ऊंट पाया जाता है, इसमें एक ही कुबड़ होती है, ठीक है। हम टेम्परेचर की बात करी हमने, तो गाय और भैंस में जो शरीर का तापमान था, गाय और भैंस का तापमान था 101.5 डिग्री फारेनहाइट, और भेड़ और बकरी का जो तापमान है 103 डिग्री फारेनहाइट था, भेड़ और बकरी का कितना है 103। अब ऊंट की बात करें तो ऊंट में बहुत वेरिएशन है, देखो आप कितनी रेंज, ज्यादा रेंज है, हाईएस्ट में 105 भी हो जाता है और न्यूनतम इसके कम से कम में 93 भी हो जाता है, तो इतना सारा टेम्परेचर का इसके बॉडी के शरीर में अंतर रहता है। क्लाइमेट कहाँ रहता है, किस अवस्था में है, पशु खड़ा है या चल रहा है, गर्मी में है या छाया में है, इसके हिसाब से तापमान उसके शरीर का थोड़ा सा परिवर्तित होता रहता है। नाड़ी गति की बात हमने की थी, भेड़ की बकरी की 70 से 80 प्रति मिनट थी, जबकि ऊंट की भैया 35 से 50 ही है, बहुत कम है। श्वसन गति भी बात करें अपन तो इसकी तुलना में थोड़ी कमी है, 11 से 12 श्वास गति प्रति मिनट है। मांस की बात की हमने, क्या क्या नाम दिए हमने, बीफ नाम दिया गाय के मांस को, वील नाम दिया हमने गाय के बछड़े के मांस को, आपने बफेन नाम दिया हमने भैंस के मीट को, भेड़ के को दिया मटन, और बकरी को दिया चेवन, क्या बोलते हैं बकरी के मांस को चेवन कहते हैं, जबकि आपके ऊंट के मांस को क्या कहते हैं भैया, बछड़े के मांस को तो हसी कहते हैं,
क्या कहते हैं? हसी। और विकसित ऊंट के मांस को केमल मीट कहते हैं। क्या बोलते हैं? केमल मीट ही कहते हैं। परंतु बछड़े वाले को, बछड़े से जो मीट मिलेगा उसको हसी कहा जाता है। यह वर्ड याद कर लेना भैया, हसी काय का मीट है? ऊंट के बछड़े का। ऊंट के बछड़े के मीट को क्या कहते हैं? हसी कहते हैं। भेड़ के मीट को क्या कहते हैं? मटन कहते हैं। बकरी के मीट को क्या कहते हैं? चेवन कहते हैं। गाय के मीट को क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं। गाय के बछड़े के मीट को क्या कहते हैं? व्हील कहते हैं। भैंस के मीट को क्या कहते हैं? बफेन कहते हैं। इस प्रकार से ये थोड़े एक एक दो दो बार आप और रिहर्सल करेंगे तो आपको ये चीजें याद होने लगेगी। अब हम बात करते हैं भैया गर्भकाल की। गर्भकाल में देखो आप, भैंस का 310 दिन था, है 310 दिन था, जबकि बकरी का, सॉरी गाय का 280 दिन के आसपास था, है, और भेड़ और बकरी का लगभग 150-155 के आसपास था। हालांकि 144-151 तो भेड़ का है, 145-155 बकरी का है, और ऊंट का गर्भकाल देखिए बहुत लंबा है, 390-410 दिन का है। 390-410 दिन का मतलब ये करीब कितना महीना हो गया भैया? पूरा 12-13 महीने तक बच्चे का विकास होता है ऊंटनी के पेट में, तब बच्चा पैदा होता है। 390-410 दिन की अवधि का गेस्ट्रेशन पीरियड होता है। मध चक्र की बात करें, बड़ी भेड़ और बकरी में तो 16-17 दिन बाद आता है, और ऊंटनी में 16-22 दिन बाद आता है। ये भेड़ और बकरी में 130 दिन तक गर्मी में रहती है, उस अवधि में नर पशु को मिलाया जा सकता है, जबकि ऊंट में 3-4 दिन का रहता है। आपके भेड़ के बच्चे पैदा करने की क्रिया को लैम्बिंग कहते हैं, बकरी में बच्चे पैदा करने को किडिंग कहते हैं, गाय के बच्चे पैदा करने को काविंग कहते हैं, भैंस में बच्चा पैदा करने को भी काविंग कहते हैं। इसी प्रकार से ऊंट में भी बच्चा पैदा करने की क्रिया को काविंग कहते हैं। गाय, भैंस और ऊंट तीनों में तो काविंग कहते हैं, भेड़ में लैम्बिंग कहते हैं, और बकरी में किडिंग कहते हैं बच्चा जनने की क्रिया को। ये इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी हमने देखी है। अब हम अगली बात हम करेंगे, कहें कि पहले भेड़ बकरी की पूरी कर लेते हैं, उसके बाद लेंगे मुर्गी, बाद में आएगी, चलो कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं लैम्ब, तो भेड़ के बच्चे का, बिल्कुल सही है, लैम्बिंग भेड़ में बच्चा पैदा करने को कहा था तो इसको लैम्ब हो गया। किड, किडिंग तो बकरी को बच्चा पैदा करने को कहा था तो इसके बच्चे का नाम क्या हो गया? किड हो गया। और ऊंट के बच्चे को भैया बात याद कर लें आप, GIT गिट या काफ कहते हैं। काविंग तो बच्चा पैदा करने को कहा ही था हमने, क्या कहा था? काविंग, तो काविंग का तो काफ हो गया, परंतु गिट भी कहते हैं, एक वर्ड और है इसका। ऊंट के बच्चे को गिट, GIT गिट भी कहते हैं। अब देखिए बात करें आप, नर को और मादा को भी अलग अलग नाम दिए हैं भैया। भेड़ के नर को रैम कहते हैं, है? बकरी के नर को बक या बिल्ली कहते हैं, और ऊंट के जो मेल को क्या कहते हैं? बुल कहते हैं। गाय के मेल को भी बुल कहा था, भैंस के मेल को भी बुल कहा था, ऊंट के जो है मेल को भी बुल ही कहते हैं नर को, है? परंतु भेड़ के नर को रैम कहते हैं और बकरी के नर को बक या बिल्ली कहते हैं, BILLY। अब मादा की बात करें, गाय के सॉरी भेड़ के मादा को एव कहते हैं, EWE एव, इंग्लिश वर्ड ध्यान रखें आप। एव किसकी मादा को कहते हैं? भेड़ की मादा को। बकरी की मादा को तो गोट या नैनी भी कहते हैं, NNY नैनी। और मादा जो इसकी केमल की है, ऊंट की है, उसको केमल या मेयर कहते हैं, केमल या मेयर कहते हैं। अब बात करें झुंड की, जो हम चर्चा कर चुके हैं, गाय को, भैंस को, ऊंट के झुंड को तो हर्ड कहते हैं, क्या कहते हैं? हर्ड। भेड़ को, बकरी के झुंड को क्या कहा था? फ्लोक कहा था।
जबकि मुर्गी के झुंड को क्या कहा था, ब्रूड कहेंगे। आगे चर्चा करेंगे उसकी। अब हम बात करते हैं आगे नस्लों की। बात करें तो नस्लों में तो भेड़ों की तो 40 नस्लें पाई जाती है और बकरी की 60 नस्लें और केमल की 5-7 नस्लें पाई जाती है। दूध की बात में वसा की बात करें हम, दूध में वसा की बात हमने भैंस में की, गाय में की, भेड़ में 7-8% वसा औसतन पाई जाती है, जबकि बकरी में मात्र 2.5-3.5% वसा पाई जाती है, जबकि केमल में औसतन 5-7% वसा पाई जाती है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो भैंस में जो वसा हमको मिली थी, देखिए आप भैया, भैंस में जो वसा मिली थी 6-7% थी, गाय में 3.5-4.5%, जबकि भैंस में भी 6-7% हो गए क्या, इसमें भेड़ में 7-8%। यानी औसत वसा की बात करें तो सबसे ज्यादा औसत वसा गाय में मिली, भेड़ में। वैसे तो वसा भैंस के दूध में ज्यादा पाई जाती है, पर सारी नस्लों को मिलाकर औसत वसा की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा भेड़ में पाई गई औसत वसा है, बकरी में इतनी हो गई, और ऊंट के दूध में भी 5-7% वसा पाई जाती है। वसा से मतलब घी से होता है भैया, कहां से होता है, घी से। और अब हम चर्चा करेंगे मुर्गी की। हमने गाय की बात करी, भैंस की बात करी, बकरी की बात करी, भेड़ की बात करी, ऊंट की बात करी, अब हम चर्चा करेंगे मुर्गी की। मुर्गी का नाम क्या होता है, साइंस वैज्ञानिक नाम, गेलस गेलस। गेलस ही जीनस है और गेलस ही प्रजाति है। क्या नाम होता है, गेलस गेलस। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है भैया। बॉडी तापमान की बात करें तो देखो आप, गाय भैंस, गाय फिर भैंस फिर बकरी फिर भेड़ और फिर ऊंट, तापमान बढ़ता ही जा रहा है। देखा होगा आपने, बॉडी का तापमान बढ़ता ही जा रहा है। गाय से कम मनुष्य का है, मनुष्य से ज्यादा गाय भैंस का, इनसे बकरी भेड़ का, फिर ऊंट का ज्यादा, और सबसे ज्यादा तापमान मुर्गी का 106-107 डिग्री फारेनहाइट। ये फारेनहाइट का भी ध्यान रखना, जो मुर्गी है उसके शरीर का तापमान होता है 106 से 107 डिग्री सेंटीग्रेड फारेनहाइट, बॉडी टेम्परेचर। श्वास गति 12-37, कितनी होती है 12-37। बकरी उसके मीट को क्या कहते हैं, है मुर्गी के मीट को चिकन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, चिकन। क्या कहते हैं, चिकन। और इनके बच्चे को क्या कहते हैं, मुर्गी के बच्चे को, मुर्गी के बच्चे को मेल को तो कॉकरेल, मुर्गी के मेल बच्चे को तो कॉकरेल कहते हैं, और मुर्गी के फीमेल बच्चे को, फीमेल बच्चे को पुलेट कहते हैं। और भैया याद रख लेना है दोनों वर्ड, मुर्गी के मेल बच्चे को कॉकरेल कहते हैं, मुर्गी के फीमेल बच्चे को पुलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉकरेल और पुलेट दोनों कहते हैं। एक बात ध्यान से रखिएगा, जितने भी आपको मैं नोट्स ये दिखाता हूँ स्क्रीन पर, ये सारे के सारे पीडीएफ फाइल आपको नोट्स के अंदर एप्लीकेशन में जो नोट्स मिलेंगे उसमें सब पीडीएफ फाइलें उपलब्ध है, आप अपने वहां पर जाकर इनको अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है, तो नवजात की बात करें, शिशु की बात करें, मुर्गी के बच्चे को अगर मेल है तो कॉकरेल कहलाएगा, फीमेल है तो पुलेट कहलाएगा। अब मुर्गी में भी नर भी है और मादा भी है। विकसित मुर्गी की बात कर रहे हैं हम, पूरी विकसित मुर्गी है। विकसित मुर्गी नर को तो कहते हैं रूस्टर या कॉक, क्या कहते हैं, रूस्टर या कॉक, और मादा को हैन कहते हैं। क्या कहते हैं, हैन, मुर्गी, विकसित मुर्गी। और झुंड को क्या कहते हैं, हर्ड। इसके झुंड को क्या कहते हैं, ब्रूड कहते हैं। ये हर्ड तो कर उसमें काम आया था आपको, गाय भैंस और ऊंट में हर्ड कहा था, और भेड़ और बकरी को फ्लोक कहा था झुंड को, और मुर्गी के झुंड को ब्रूड कहते हैं, जो हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम, यहां तो दूध तो है नहीं मुर्गी में, यहां तो अंडा है, और अंडे में प्रोटीन की बात करते हैं। 12-14% प्रोटीन पाई जाती है अंडे में, 12 से
14%। क्षेत्रफल जगह की बात करें तो 1.5 वर्ग फिट प्रति लेयर तो मुर्गी को जगह चाहिए, और उसमें जो प्रति लेयर से मतलब जो विकसित मुर्गी जो अंडे देने वाली होती है लेयर कहते हैं उसको, और 3 से 6 इंच गहराई का उस पर वो लेटर लेटर मतलब कचरे का अवशेष हो जाना चाहिए जिसके ऊपर मुर्गी को पाला जाता है। इस प्रकार से ये सिंपल जानकारी मुर्गी के बारे में थी। अब हम यहाँ पर मुर्गी में जो अभी वर्ड काम में लिए ना अपन ने, उनकी डायग्राम दिखाने के लिए आपको ये डायग्राम लिया है। देखो देखो विकसित मुर्गा ये कहेंगे पूरा पूर्ण बड़ा जो वयस्क मुर्गा कहेंगे उसको तो कहते हैं रूस्टर या कोक। क्या कहते हैं? रूस्टर या कोक कहते हैं। और मुर्गी जो होती है विकसित मुर्गी जो होती है वो हैन कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? हैन कहलाती है। क्या कहलाती है? मुर्गा तो कहलाता है रूस्टर या कोक, और मुर्गी कहलाती है हैन। अब इनके बच्चों की बात करें है? नवजात की बात करें तो मेल या नर मुर्गी का बच्चा नर है अगर तो कोकरेल कहलाता है। क्या कहलाता है? कोकरेल कहलाता है। और जो बच्चा है छोटा वो अगर मादा है तो पुलेट कहलाता है। क्या कहलाता है? पुलेट कहलाता है। और एक वर्ड और होता है भैया केपन। क्या नाम है? केपन। केपोन या केपन, केपोनाइजेशन करते हैं, ध्यान रखना आप। ऐसे मुर्गे जिनका क्या कर देते हैं? बधियाकरण कर देते हैं। बधियाकरण या नपुंसक मुर्गा क्या कहलाता है? केपोन कहलाता है। क्या कहलाता है? केपन कहलाता है, केपोन कहलाता है। और इस क्रिया को जिसमें बधियाकरण करते हैं उसको केपोनाइजेशन कहते हैं। तो आपको इन टर्मिनोलॉजी को समझाने के लिए मैं डायग्राम लेके आया हूं। और इसके बाद मांस की बात करें तो भैया मुर्गी के मांस को तो चिकन कहते ही कहते हैं। क्या कहते हैं? चिकन कहते हैं। ये था मुर्गी के बारे में जानकारी। अब हम आगे अगर बढ़ते हैं, देखो गायों की नस्लों की बात, भेड़ों की नस्लों की बात तो बाद में करेंगे, अभी हम प्राइमरी जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। गाय में और भैंसों की बात करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन। सबसे पहले कैटल या गाय या काऊ की बात कर रहा हूं मैं। देखो जो गाय हैं वो भारत में जो गायें पाई जाती है वो भारत में दो प्रकार की गायें पाई जाती है। कौन कौन सी गायें? भारतीय नस्लें और विदेशी नस्लें। हालांकि गायें 3-4 प्रकार की है, एक तो भारतीय गायें और एक विदेशी नस्लें और एक जो है आपकी जो संकर नस्लें हैं, इस प्रकार की गायें पाई जाती है। पर पहले भारतीय नस्लों और विदेशी नस्लों में अंतर समझेंगे हम, क्या क्या अंतर होता है। देखो पहले डायग्राम ले लेते हैं, अगर डायग्राम है तो यहां पर इसको देखो आप। ये भैया विदेशी गाय जर्सी गाय है, ये जो है देसी हमारे यहां की गाय गिर जो हमारी गुजरात में पाई जाने वाली गिर गाय है, है? हमारी देसी गाय भारत में पाई जाने वाली, विदेशी गाय विदेश से लाई गई गाय है भारत में ही पर विदेश से लाई गई गाय जर्सी, और ये भारत में ही पाई जाने वाली देसी गिर गाय। दोनों में मुख्य रूप से क्या अंतर होता है? देखो इसमें कोई कुबड़ नहीं है, यहां कुबड़ निकला हुआ है, यहां कोई कुबड़ नहीं है, कोई हंप बोलते हैं इसको, हंप नहीं है यहां पर, ये हंप निकला हुआ है। भारतीय गाय की पहचान, देसी गाय की पहचान, विदेशी गाय की पहचान नंबर एक। नंबर दो, हमारे यहां की गाय में ये गल कंबल होता है लटका हुआ, यहां पे एक चमड़ी लटकी रहती, देखो आप ये लटक रही है नीचे तक, ऐसे लटक रही, गल कंबल कहते हैं इसको, फ्लैप कहते हैं, ड्यूलेप भी कहते हैं इसको भैया, DEWLAP ड्यूलप भी कहते हैं, जो कि भारतीय गायों में पाया जाता है, विकसित होता है ड्यूलप या गल कंबल पूर्ण विकसित होता है, जबकि विदेशी गायों में फ्लैप या ड्यूलप होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, ड्यूलप का अभाव होता है, अविकसित होता है, ड्यूलप गल कंबल अविकसित होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया अंतर दोनों गाय में। इसके अलावा एक और अंतर होता है जो है हमारे यहाँ की गाय में, देखो आप यहाँ पर एक कर्व है इस प्रकार का, देखो उठा हुआ हिस्सा ही, यहाँ पर फ्लैट है,
है, पिछवाड़े पे क्या है, ये फ्लेप है, यहां पर हमारे कर्व होता है, है? होता है ना कर्व, देसी गायों में कर्व होता है और विदेशी में फ्लेप होता है। तो ये अंतर है देसी और विदेशी गायों में, कुबड़ वाली और बिना कुबड़ वाली गायों में। कुबड़ वाली गाय भारतीय गाय, बिना कुबड़ वाली गाय विदेशी गाय, है गलकंबल वाली गाय हमारी गाय, बिना गलकंबल वाली गाय विदेशी गाय, है। तो ये अंतर है यहाँ की गाय में और विदेशी गाय में। वही हम चर्चा करेंगे कि भारतीय नस्लों और विदेशी नस्लों में क्या अंतर है। कुबड़ उपस्थित होता है, कुबड़ अनुपस्थित होता है गाय में, विदेशी में, भारतीय में उपस्थित होता है। इन गायों को, कुबड़ वाली गायों को जेबू कहा जाता है, ध्यान रखें आप, क्या कहते हैं कुबड़ वाली गायों को, जेबू, क्या कहा जाता है, जेबू कहा जाता है कुबड़ वाली गायों को। ये वर्ड है जेबू, जेबू काऊ, हमारी भारतीय गायों को जेबू भी कहा जाता है, हैं कुबड़ वाली गायों को। भारतीय गायों में गलकंबल ड्यूलप विकसित होता है, विदेशी गायों में कम विकसित होता है या नहीं होता है। भारतीय गाय का नाम क्या है, बोस इंडिकस है, विदेशी गाय का नाम क्या है, बोस टोरस है। भैया याद रख लें, बोस इंडिकस और बोस टोरस, टोरस तो विदेशी गाय, इंडिकस भारतीय गाय। भारतीय गायों में रोग प्रतिरोधक क्षमता, यहां की गाय है यही उत्पत्ति हुई है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा पाई जाती है, जबकि विदेशी गाय कम रोग प्रति, यो बीमार होती है, गर्मी लू की दिनों में लू लग गई, गर्मी लग गई, पानी में रखो, पानी ज्यादा पिलाओ, बहुत नाजुक होती है, प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। लेकिन इनकी परिपक्वता अवधि, यानी ये पशु जो होते हैं भारतीय नस्ल की जो मादा होती है वो भैया 3 साल में जाकर उसकी जो है बच्चा जनने की अवस्था आती है। कितने आती है, 2 साल से के बाद से लेकर 3 साल में इसकी प्यूबर्टी अवस्था आती है, परिपक्वता आती है, बच्चा जनने के लिए तैयार होती है। 26 महीने से लेकर 36 महीने के बीच में बच्चा जनने के लिए, गर्भ धारण करने के लिए योग्य होती है मादा, कितने महीने में, 26 से 36 महीने में। लेकिन विदेशी गायें मात्र भैया 1.5 से 1.5 साल में ही तैयार हो जाती है। देखो आप, 1.5 से 15 महीने से 18 महीने में ही गर्भ धारण योग्य हो जाती है विदेशी नस्लें। ये बहुत अंतर। अगला, अब जैसे एक बार गाय ने बच्चा दे दिया और अगला बच्चा जनने के लिए बीज की अवधि है, वो 2 ब्यात का अंतर कहलाता है। तो हमारी देसी गायों में तो भैया 18 से 24 महीने का अंतर होता है, जबकि विदेशी गायों में 13 से 14 महीने का ही अंतर होता है, हैं? ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा फायदेमंद हो गए ना विदेशी गायें, देखो जल्दी तो पक जाती है, बच्चा भी जल्दी जल्दी देती है, ज्यादा अंतर नहीं होता है, 13 से 14 महीने बाद दोबारा बच्चा जनने के लिए तैयार हो जाती है, और ये क्या है 18 से 24 महीने बाद बच्चा दूसरा बच्चा देती, दोबारा बच्चा देती है, हैं? तो अगला, शुष्क काल या ड्राई पीरियड, ड्राई पीरियड का मतलब दूध बंद करने से लेकर, दूध बंद हो गया ना, उसके बाद गर्भ धारण करने की जो अगली अवधि आती है वो होती है 60 दिन, 2 महीने बाद गर्भ धारण कर सकती है, जबकि ये केवल 1 महीने बाद ही गर्भ धारण कर लेती है, दोबारा ड्राई पीरियड कहते हैं इसको। भारतीय गायों की नस्लों की बात करें तो गिर, राठी, हरियाणा, थारपारकर हमारी नस्लें हैं, भारतीय नस्लें हैं, जेबू नस्लें हैं, जेबू कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, जेबू। कुबड़ वाली गायें जेबू, गलकंबल वाली गायें जिसको ड्यूलैप भी कहते हैं अंग्रेजी में, हैं? तो गिर, राठी, हरियाणा, थारपारकर ये सारी हमारी नस्लें, भारतीय नस्लें। विदेशी कौन सी है, जर्सी, होलस्टीन फ्रीजियन, ये विदेशी गायें हैं भैया। तो अब हम बात करते हैं आगे गायों में नस्लों की, दोनों की बात करी हमने चर्चा, इन दोनों का अंतर बात करी ली हमने, हैं? अब हम नस्लें तो अगले वीडियो में तैयार करेंगे, हम अलग अलग नस्लों की बात करेंगे, अभी फिलहाल हमने केवल क्लासिफिकेशन देखा है।
ये क्वेश्चन बहुत आता है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, भैया निम्न में से कौन सी गाय डुअल पर्पज है, द्विप्रयोजनीय है, कौन सी गाय भारवाहक है, कौन सी गाय दुधारू है, कौन सी गाय विदेशी है, कौन सी गाय संकर नस्ल है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हम इसको भली भांति समझने की कोशिश करते हैं। वो पहले तो भारतीय गायों की बात करेंगे अपन, पहले तो भारतीय गायें, उसके बाद विदेशी गायें और उसके बाद संकर गायें, तीन पार्ट में बात करेंगे, भारतीय गायें, विदेशी गायें और संकर गायें। भारतीय गायों को, जो भारतीय गायें हैं उनको तीन भागों में बांटा है। वो गायें जिनका उद्देश्य केवल दूध उत्पादन है, खूब सारा दूध देती है, केवल दूध उत्पादन के काम आती है। वो गायें जो केवल उनके बैल खेती करने के काम आते हैं, भारवाहक होते हैं, खेती करेंगे या तो, या फिर गाड़ी चलाने के काम आते हैं, उनके बैल मजबूत होते हैं, दूध उत्पादन के लिए नहीं पाले जाते उनको, केवल उनके नर मादा पैदा करके बैल काम में लेंगे उनके। दूसरा, ऐसी भी गायें होती है जिनका मेल, इनका नर तो भार वहन करता है और मादा दूध देती है, डुअल पर्पज, दोनों पर्पज के लिए पालते हैं भैया है? नर तो भारवाहक का खेती का काम भी करता है और मादा दूध भी देती है, दोनों प्रकार के डुअल पर्पज द्विप्रयोजनीय। तो हमने भारतीय गायों को तीन भागों में बांट दिया, दुधारू गायें, भारवाहक गायें, ड्रोट, अंग्रेजी में ध्यान रख लेना, ड्रोट पर्पज है, भारवाहक ड्रोट पर्पज और डुअल पर्पज। तो दूध के लिए भैया केवल वो भारतीय नस्लें जो केवल दूध के लिए पाली जाती है, गिर, साहिवाल, इनके बारे में एक एक के बारे में चर्चा करेंगे हम बाद में, राठी, गिर, साहिवाल, सिंध और राठी, ये तो केवल दूध के लिए पाली गई है, गिर, साहिवाल, सिंध, राठी। और वो नस्लें जो भारवाहक के काम आएगी भैया, नागौरी, मालवी, अमृत महल और खिल्लारी, नागौरी, मालवी, अमृत महल और खिल्लारी क्या काम आएगी, भारवाहक, इनके बैल खेती करेंगे और भार को वहन करेंगे, गाड़ी चलाएंगे, केवल दूध के लिए नहीं पाली जाती है ये। और तीसरी तो दोनों काम आती है, खूब क्वेश्चन आता है, डुअल पर्पज थार पारकर, डुअल पर्पज हरियाणवी, डुअल पर्पज कांकरेज, डुअल पर्पज मेवाती, ये चारों गायें दोनों पर्पज की है, थारपारकर डुअल पर्पज हरियाणा, डुअल पर्पज कांकरेज, डुअल पर्पज मेवाती, डुअल पर्पज मादा तो दूध देगी, नर मादा दूध देगी, नर भारवाहक का काम करेंगे, दोनों पर्पज की गायें हैं भैया। ये थी भार भारतीय नस्लों की चर्चा। अब हम बात करेंगे विदेशी नस्लों की, और विदेशी नस्लों में देखो आप चर्चा करते हैं, एक तो है जर्सी, एक है होलिस्टीन फ्रीजियन, एक है रेड डेन, एक है ब्राउन स्विस। जर्सी, होलिस्टीन फ्रीजियन, रेड डेन और ब्राउन स्विस, ये बाहर की विदेशी नस्लें हैं। विदेशी नस्लें जो भारत में पाली जाती है, ये वो नस्लें हैं, हमारे यहाँ पाली जा रही है, खूब दूध दे रही है, खूब दूध देती है, परंतु विदेशी है, उनको यहाँ लाया गया है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, इनमें कुबड़ नहीं पाई जाती, इनमें गलकंबल कम विकसित या अविकसित होता है, कौन सी गायों में, विदेशी गायों में है? तो विदेशी गायें हैं भैया। और दूसरा, एक तीसरा है संकर गायों का विकास, जिन गायों का विकास अपने यहां पर भारत में ही विकसित की गई है, संकर गायें, एक तो कर्ण स्विस और एक कर्ण फ्रीजियन। अब किस किस से संकर किया गया उसकी चर्चा भी आगे करेंगे हम, कर्ण स्विस और कर्ण फ्रीजियन, ये संकर गायों की नस्लें हैं। अब हम बात करेंगे, एक छोटी सी एक नस्ल है भैया, इसकी चर्चा कर लेते हैं हम, गाय की नस्ल एक वेचूर, बाकी तो आगे करेंगे, एक वेचूर नस्ल गाय की, जो कि दुनिया की सबसे छोटी गाय है भैया, इतनी छोटी गाय है, बहुत छोटी गाय है, इतनी सी हाइट है उसकी, इतनी सी हाइट है, वेचूर, क्या नाम है, वेचूर, केरल में तो पाई जाती है, कम ऊंचाई की और छोटे आकार की है, आहार भी कम खाती है, और जितना आहार खाती है उसकी तुलना में दूध ज्यादा देती है, वेचूर, क्या नाम है, वेचूर, बिल्कुल बकरी की तरह के आकार की होती है, इसको मिनिएचर काऊ भी कहते हैं, मिनिएचर काऊ, छोटी काऊ,
स्मॉलेस्ट काव ऑफ वर्ल्ड, दुनिया की सबसे छोटी काय देख लो आप कितनी छोटी है। इसमें देखो जो आदमी बैठा हुआ है इस गाय के साथ, यह आदमी बड़ा लग रहा है, गाय छोटी लग रही है, देख लो आप इतनी छोटी गाय है। इसको क्या नाम है, बेचूर है, केरल में पाई जाती है और विश्व की सबसे छोटी गाय, कम ऊंचाई, कम आकार की, कम वजन की बेचूर नस्ल है। हैं, अब हम छोटी सी एक चर्चा और कर लेते हैं, हालांकि इसको बाद में भी कर लेंगे और कर लेते हैं, छोटी सी चर्चा करनी है एक शब्द तक, कलिंग, उसको अंग्रेज एक वर्ड उसके लिए एक वर्ड काम और वीडिंग, जैसे खरपतवारों को हटाते हैं ना खेत में से, वीडिंग करते हैं, खरपतवारों को हटाना वीडिंग कहलाता है, वैसे ही इसको कलिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो पशु का समूह होता है, हम खेत हम हमारे पशुशाला में पशु पालते हैं, उन पशुओं में अलाभकारी पशुओं को, जो पशु नुकसान देते हैं उन पशुओं को हटा देते हैं। कहां से हटा देते हैं, उनको हटा देते हैं और उनको या तो स्लॉटर हाउस में दे देते हैं, क्योंकि इकोनॉमी नहीं है, वो नुकसान कर रहे हैं अगर आपको, तो इसको कहते हैं कलिंग करना, वीडिंग करना। एक होता है कास्टिंग करना, पशुओं को इलाज करने के लिए, दवा देने के लिए कई बार रस्सी से बांध कर नीचे फर्श पर गिराते हैं, उसको कास्टिंग कहते हैं। और भेड़ों की पूंछ को काटना डॉकिंग कहलाता है, डॉकिंग कहते हैं, भेड़ों की पूंछ को काट देते हैं, क्योंकि भेड़ों की पूंछ जो होती है वो ऊन को गंदी कर देती है, इसलिए उसको काट के अलग कर देते हैं। गर्भित पशुओं को, जो पशु गर्भित होते हैं उनको अलग से अच्छा पौष्टिक आहार खिलाना फ्लशिंग कहलाता है, फ्लशिंग कहते हैं गर्भित पशुओं को। और वीर्य, पशु पालन में वीर्य संग्रहण एक इंपॉर्टेंट क्रिया है, इसके लिए वीर्य संग्रहण के लिए जो कृत्रिम योनि तैयार की जाती है उसका 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखा जाता है। इनकी और आगे भी चर्चाएं करेंगे, आज हम इतना ही लेंगे। पशुपालन की यह पहली क्लास थी, इनका पूरा पीडीएफ आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू।